भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर युवा जनशक्ति संगठन, युवा भीम, मैत्रेय संघ, समता सैनिक दल, जरीपट का विजन बाग मित्र मंडल की ओर से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पशुपालन, डेयरी विकास और युवा कल्याण एवं खेल मंत्री सुधीर केदार उपस्थित थे। युवा जनशक्ति संगठन, युवा भीम, मैत्रेय संघ द्वारा आयोजित परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी जयंती के अवसर पर थैलेसीमिया और सिकल सेल पीड़ित एवं जरूरतमंद लोगों को, जिन्हें समय पर रक्त नहीं मिल पा रहा है, उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस वक्त संगठन के कार्यकर्ताओं ने अधिक जानकारी साझा की है। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती उपलक्ष्य में युवा जनशक्ति संगठन के माध्यम से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मंत्री जी सुनील केदार आज प्रमुख उपस्थिति में थे। इन संगठन को कई बार कॉल आते थे कि हमें ब्लड की जरूरत है, और ऐसी स्थिति में जैसे आप नागपुर में देख रहे हैं कि ब्लड की कितनी कमी है। ब्लड एक ऐसी चीज है जिसे तैयार नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ मानव से ही निर्मित होता है जो उसकी बॉडी में तैयार होता है। तो इस तरीके से लोगों को मदद करना ये संगठन का कार्य रहा। लॉकडाउन में भी इन्होंने बहुत सारी मदद की, लोगों को राशन पहुंचाया, राशन की किट दी, खाने का सामान दिया, बच्चों के लिए कपड़े दिए। इस तरीके से भी ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आज बेजन बाग में ये रक्तदान शिविर किया गया। इसके अलावा इन संगठन ने ये सोचा है और ये प्रण लिया है कि हम हर इलाके में संगठन के माध्यम से जहाँ जहाँ इनके कार्यकर्ता है वहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, और बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती से शुरुआत करके इसे जब तक के लॉकडाउन की स्थिति बनी रहती है तब तक इन लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहेंगे। और मैं इस संस्था को, इस संगठन को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कदम को उठाया और लोगों की मदद करने का प्रण लिया। मैं सर्वप्रथम सबको बाबा साहेब जी के जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। मैं प्रतीक इंदुरकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा जनशक्ति संगठन के ओर से भी सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इस कोरोना की भयावह स्थिति देखते हुए हमने ये देखा कि हर तरफ ब्लड का शॉर्टेज जा रहा है, प्लाज्मा का शॉर्टेज जा रहा है, तो हमारी संगठन को हमें रोज फोन आते थे कि हमें ब्लड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, बट उतने मात्रा में हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था। इसीलिए हमने ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन का कैंप अरेंज किया, बट उसके लिए बाबा साहेब जी के जन्मदिन से अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे मिनिमम आज 200 प्लस लोग ब्लड डोनेट करेंगे, प्लस प्लाज्मा डोनर्स अलग है। और सुनील केदार साहब जो मंत्री जी है, उन्होंने यहाँ पे आके हमारे कार्यक्रम को और ज्यादा अच्छा शोभित किया है। कोरोना के बढ़ते संसर्ग के चलते समय पर रक्त नहीं मिल पा रहा है, इस बात का ध्यान रखते हुए संगठन के लोगों द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस वक्त राज्य के पशुपालन, डेयरी विकास, युवा कल्याण एवं खेल मंत्री सुनील केदार उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज, नागपुर।